ऑल आर मोस्ट वेलकम, आप सबका इस करेंट अफेयर्स 2024 में स्वागत है। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। तो चलिए क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे विद आंसर। और ये हर संडे को 6 बजे शाम में प्रैक्टिस सेट एक अपलोड करते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, देखिए इसमें सारे प्रैक्टिस सेट 2024 के इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, करेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसको आप कीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड में कितनी CSR गतिविधियां शुरू की? तो ए में है 2, बी में है 3, सी में है डी, सी में है 4, डी में है 5, ई में है 6, और इसका सही उत्तर है बी, 3। 3 CSR गतिविधियां शुरू की है प्रहलाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड में। और नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिकाउंटिंग सिस्टम में 2024 में उधार दाताओं से इनवॉइस फाइनेंसिंग में वृद्धि देखी गई आरबीआई द्वारा ट्रेड्स को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। तो ट्रेड्स को लॉन्च किया गया था 2018 में। राइट आंसर है डी, ट्रेड्स। इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने संजय विनायक मुदलियार को किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग की सिफारिश को मंजूरी दे दी है? तो इसमें हम लोग डायरेक्ट ही आंसर देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, आरबीआई स्थायी तरलता सुविधा के तहत स्टैंड अलोन प्राथमिक डीलरों को अतिरिक्त 5,000 करोड़ प्रदान करेगा, रेपो रेट कितने प्रतिशत है? तो रेपो रेट 6.50% है, सही उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, तो ऑप्शन है 10 फरवरी, 11 फरवरी, 9 फरवरी, 8 फरवरी, 12 फरवरी। तो सही उत्तर है 12 फरवरी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21/1860 के तहत किस वर्ष पंजीकरण किया था? उत्पादकता परिषद ने, तो इसका सही उत्तर है 1958 डी। नेक्स्ट, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो डायरेक्ट उत्तर ही देखते हैं, उत्तर है बी, 11 फरवरी को। आप इसको कॉपी पे नोट करके लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन, काफ़ी संभावित प्रश्न है जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला विश्व बीमार दिवस किस वर्ष मनाया गया था? विश्व बीमार दिवस, सही उत्तर है 1993 सी। नेक्स्ट, CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण लद्दाख में द्रॉस वॉरियर्स ने जीता? कौन सा संस्करण था? 15वां, 14वां, 13वां, 16वां, 17वां, सही उत्तर है ए, 15वां संस्करण था। ध्यान रखिए, लिखिए इसको। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? कजाकिस्तान की मुद्रा है डी, टेंगो। टेंगो कजाकिस्तान की मुद्रा है। और रियाल कहाँ की मुद्रा है? ये पहले गुजर चुकी है, कई देशों की मुद्रा है, आप बताएंगे कहाँ की मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनर और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को जनवरी 2025 तक राजस्थान के बाड़मेर में अपनी नई रिफाइनरी में वाणिज्यिक ईंधन उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? 71,000 करोड़, 72,000 करोड़, 73,000 करोड़, 74,000 करोड़। सही उत्तर है सी, 73,000 करोड़। ये योजना का नाम आप जरूर याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनर और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को जनवरी 2025 तक राजस्थान के बाड़मेर में नई रिफाइनरी में वाणिज्यिक ईंधन उत्पादन शुरू करने होने की उम्मीद है। ये 73,000 करोड़ की है। जगह का नाम भी आप याद रखिए, ये आ जाएगा आपको, बाड़मेर में 73,000 करोड़ की। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो सही उत्तर है डायरेक्ट उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। और आप लोग बताएंगे उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 के अंतरिम बजट में सरकार ने कितने करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से अधिक है? कितने करोड़ का 2024-25 में विनिवेश लक्ष्य रखा है? ध्यान रहे विनिवेश है, तो इसका है 50,000 करोड़ का विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, ध्यान रहे 50,000 करोड़। हंगरी द्वारा समझौते का विरोध छोड़ने के बाद कितने यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन के लिए $54 बिलियन के सहायता पैकेज पर सहमत हुए हैं? कितने यूरोपीय संघ के नेता ने यूक्रेन के लिए $54 बिलियन सहायता पैकेज पर सहमत हुए हैं? कितने हैं वो यूरोपीय संघ के? 27 देश हैं यूरोपीय संघ के, 27 नेता जो यूक्रेन के लिए $54 बिलियन के पैकेज देने के लिए सहमत हुए हैं। तो ध्यान रहे इन बातों पर, ध्यान देना है सही से। क्वेश्चन उलट के भी आ जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए अंतरिम केंद्रीय बजट संसद में पेश किया। ये बजट था वर्तमान FM द्वारा प्रस्तुत चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा। सही उत्तर है छठा बजट था, ठीक है। और FY24 राजकोषीय घाटे का लक्ष्य पहले के अनुमान से कितने प्रतिशत घटाकर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% कर दिया गया? घटाकर 5.8 कर दिया गया था राजकोषीय घाटा, कहाँ से? 5.9 से। तो ये ध्यान रहे। तो इस प्रकार आप जो है इसमें पार्टिसिपेट करें कंटिन्यू, और ये बहुत ही एग्ज़ाम के लिए संभावित प्रश्नों का संग्रह है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए है। और आप कोई भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स भी अवेलेबल है, आप पूरा फुल कोर्स है फ्री में, ग्रुप सी का है, फॉरेस्ट गार्ड का है, आर्मी का है, पुलिस का है, BEd का है, TET का है, किसी भी प्रकार का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, SSC के लिए है, GK, तो आप उसको ज़रूर पार्टिसिपेट करें, इसमें कोर्स डाल देंगे, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। काफ़ी विद्यार्थी सफल भी हुए हैं, फ़ायदे भी उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। तो चलिए, भारत और पुर्तगाल किस राज्य में मार्च के निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं? आई टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के लिए, तो इसमें उत्तर सही है सी, गुजरात में हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं। ये जो है ना वर्ड इधर से उधर हो गया है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर है गुजरात। नेक्स्ट, RBI का डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च में कितने अंक से बढ़कर सितंबर में 418 हो गया? तो सही उत्तर है 395.57। देखते हैं नेक्स्ट,
तो इतने ही रहने देते हैं आज के लिए, ये काफ़ी है, मात्र 10 मिनट का प्रोग्राम है और आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें। और कोई भी कोर्स आप जो है ना अपना टाइम बर्बाद ना करें, फ्री में कोर्स आप करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके सक्सेस सीरीज़ को आप देखें, जो विद्यार्थी सक्सेस हुए हैं उनके नज़रिया को समझें, वो क्या बता रहे हैं, कैसे पढ़ना है, उस टेक्निक को समझें, ये ज़रूर करें और तैयारी करें। हमें आप कमेंट में बताएं, हमसे आप जुड़िए और हमें आप बताइए आपकी कोई भी दिक्कत है, किस पे हमको वीडियो बनानी है, क्या करना है, आप हमें रुझान ज़रूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।